हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा सेटअप को चेंज करने का, क्योंकि इसके पहले जो भी सेटअप था आप देखते हो उतनी ज़्यादा सही नहीं लगती थी। क्योंकि इसके पहले जैसे मैंने 200 वीडियोज वाला वीडियो बनाया था, आपने अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। उसमें जैसे कि मैंने देखा, जैसे एक्चुअली मैंने एडिट खुद किया तो उसमें मुझे पता चला कि सारे कुछ मेरे में ठीक है, बट बैकग्राउंड थोड़ी बहुत मुझे अजीब लग रही थी। तो जिस कारण मैंने सोचा कि बैकग्राउंड को चेंज किया जाए। और बैकग्राउंड चेंज करने का ऑप्शन मतलब ये नहीं कि अभी मैं नया स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल मैंने क्या किया, एक ब्लैक पर्दा ले लिया है। जी हाँ, जो ब्लैक स्क्रीन रहती है वो मैंने ऑफलाइन ही परचेज़ की, ऑनलाइन परचेज़ नहीं किया जी। सिर्फ जो कपड़ा होता है ब्लैक कपड़ा, उसको मैंने ले लिया है। अब उसी से मैं क्या करूँगा, जो बैकग्राउंड आएगी पूरी ब्लैक आएगी। चलिए मैं उसको थोड़ा सा कपड़ा आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहे किस तरह का कुछ ब्लैक है, इसी को मैंने लिया है। आई थिंक ये 2 मीटर है, तो देखा जाए 2 मीटर में आई थिंक काम हो देनी चाहिए। फिलहाल देखते हैं। उसके लिए मैं सोच रहा हूँ सेटअप मैं इस जगह पे करूँ, ये जो जगह देख पा रहे हैं ये जगह, इसमें करूँ। तो उसके लिए मुझे ये जो बक्सा है इसको हटाना पड़ेगा, और इस टेबल को इधर से इधर लाऊँगा और इसको यहाँ शिफ्ट करूँगा। बस ये काम मुझे करना है, तो ही जाके क्या होगी, बैकग्राउंड सही परफेक्ट दिखेगी और लुक भी सही आएगी, वीडियो में क्वालिटी भी अच्छी लगेगी। तो चलिए इसे मैं फटाफट से करता हूँ, जो भी होगा नहीं होगा आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए फटाफट से मैं कर लेता हूँ। तो फाइनली ये जगह क्लियर हो चुकी है। अब बस जरूरत है इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रखने की। तो इसके लिए तो अकेले नहीं होगा, इसके लिए 2 जन को बुलाना पड़ेगा। तो चलिए मैं देखता हूँ नीचे से कोई होती है तो उनको मैं बुलाकर लाता हूँ। फाइनली सेटअप पूरी रेडी हो चुकी है, जैसा कि मैंने बताया सारे कुछ कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे कि ये है, इस बक्सा को मैंने सेट कर दिया और ये जगह पूरी खाली हो चुकी है। मैं थोड़ी देर आपको ये जगह दिखाता हूँ कि एक्चुअली मैंने क्या सेटअप किया है। तो चलिए फटाक से देख लीजिए। तो देखिए इस तरह कुछ मैंने इस जगह पे सेटअप किया है। यहाँ पर मैंने पूरा ब्लैक स्क्रीन लगा दिया है, पूरा यहाँ से यहाँ तक, और ब्लैक स्क्रीन देख पा रहे हैं आप, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। और इसमें वीडियो भी शूट हो रही है तो बहुत बेहतरीन लग रही है। कुछ इस तरह के यहाँ से इतना सामने होके यहाँ वीडियो शूट हो रही है तो परफेक्ट लग रही है। और ये बैकग्राउंड अभी मुझे सही लग रही है, क्योंकि बहुत दिन से ये कलर है, ये कलर मुझे बिल्कुल सही नहीं लगती थी। ये कलर में जो आती थी वीडियो बिल्कुल ही अजीब टाइप का वीडियो आती थी, बहुत भद्दी टाइप की लगती थी। तो जिस कारण मैंने बहुत दिन से प्लानिंग किया था इस टाइप लेने का, तो ये फिलहाल आ चुकी है और इस जगह पे मैंने कुछ सेटअप कर दिया है। और जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इसको मैं कुछ इस जगह पर रख के बस इस तरह का कुछ टूल में बैठ के यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। तो चलिए शूट वगैरह हो चुकी है, टेक वीडियो कंप्लीट। आप टेक वीडियो जाकर देखिए, क्योंकि आज का जो टेक वीडियो शूट हुआ है वो इसी बैकग्राउंड पर शूट हुआ, तो आप जाकर देख सकते हैं कि कैसी बैकग्राउंड आ रही है नहीं आ रही है। तो फाइनली यहाँ कार्य हम काम हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ नीचे, क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसा कि मैंने बताया आपको। अब मैं नीचे जाता हूँ, वीडियो को एडिट करता हूँ, फिर अपलोड पे लगाता हूँ। एक्चुअली लाइट भी है नहीं, तो देखा जाए लैपटॉप में चार्ज कितनी है। अगर चार्ज कम होगी तो फिर एडिट करने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी मोबाइल से। तो फिलहाल मैं चलता हूँ नीचे अभी। तो फाइनली अभी टाइम हो चुकी है 5 और मौसम वापस से हो चुकी है ख़राब, तो जो कि बहुत ही सही है। ये मौसम का भी कुछ अपना अलग ही मज़ा है, जैसे कि इसके पहले मैंने हमेशा से कहा है। तो कुछ मौसम इस तरह का है। एक्चुअली थोड़ी देर पहले पानी भी गिरी, आप देख पा रहे हैं ये सारे पानी कुछ गिरी, उसके बाद पानी छूट गई थी, बट वापस से क्या हुई ना, हवा चलना स्टार्ट हो गई है। और आई होप कि आज भी मुझे ट्यूशंस ऑफ रखनी होगी, क्योंकि इस मौसम में बाहर पढ़ाना मुनासिब नहीं होगा। तो फिलहाल थोड़ा सा तब तक वेट कर लेते हैं, अभी टाइम हुई नहीं है। जैसे कि आपको पता है 6 बजे क्लासेज रहती है, तो अभी वेट कर लेते हैं थोड़ा सा कि पानी होती है या नहीं होती है। आपको मेरे लुक में कुछ चेंज लग रही होगी। एक्चुअली मैंने कुछ अब खाना है, एक्चुअली मैंने सोचा है कि अब जो बाल है बाल को मैं छोटा नहीं करूँगा, इसका पूरा लंबा करूँगा, यहाँ तक कम से कम बाल आएगी। बाकी दाढ़ी का मैंने भी सोचा नहीं है, इसको रखना है कि नहीं रखना है फिलहाल देखा जाए, क्या है जब तक है तब तक है। बाकी बाल का मैंने पूरा फाइनल डिसीजन कर चुका हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, बाल को लंबा करूँगा। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए लंबी बाल में मैं कैसा लगूँगा नहीं लगूँगा, ये सारी चीज़ें तो फटाफट से जाके नीचे कमेंट कर दीजिए। और जैसा कि मैंने आपको अपना सेटअप दिखाई दिया, तो सेटअप में मैंने बस थोड़ा सा उतनी ही चेंज किया जैसे कि आपने देखा। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब देखा जाए जैसे जैसे कुछ मुझे अर्जेंट पड़ती जाती है, उस हिसाब से मुझे सेटअप को चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली जैसे कि मैंने इससे पहले आपको कहा था, मैंने एक प्लानिंग किया था कि सेटअप को मैं करूँगा कहीं और। एक्चुअली मैंने एक रूम देखा हुआ था, मैंने सोचा था कि वहाँ मैं सारे सेटअप करूँगा, बट कुछ है रीज़न जिस कारण कि मैंने रूम अच्छे से ले नहीं पाए और सेटअप वहाँ पर नहीं होगा। अब सेटअप फिलहाल घर ही में रख रहे हैं,
क्योंकि एक्चुअली रूम कहीं और लेना मतलब बात क्या हो जा रहा है, रूम का आपको रेंट देना पड़ेगा, साथ ही साथ बिजली कड़क रही है, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जितना सामान है यहाँ से वहाँ ले जाना पड़ेगा, फिर रही बात लैपटॉप वगैरह की, डेली आपको आना पड़ेगा जाना पड़ेगा, लैपटॉप लेके आना जाने का काम यहीं पर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा वियर्ड लगेगी। तो जिस कारण मैंने सोचा जो ऊपर का रूम कोई मैं फ्री करता हूँ वहीं पर मैं अपना स्टूडियो सेटअप करता हूँ, तो जस्ट मैंने थोड़ा सा किया है, अब देखा जाए जैसे जैसे नीड होगी वैसे वैसे उसको पूरी करते जाऊँगा। फिलहाल आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट इस तरह से बना रहेगा, ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा कि स्टूडियो अपना एक ऐसा स्टूडियो होगा कि आज तक आपने वो स्टूडियो कहीं नहीं देखा होगा, क्योंकि मेरे माइंड पे प्री प्लानिंग सारा कुछ रहता है हमेशा से, तो सारा प्री प्लान किया हुआ है, बट जो मेन चीज़ होती है, मेन मुद्दे आती है पैसे, उसकी बात हो रही है। जैसे ये फुलफिलमेंट हो जाता है आप लोगों का प्यार से, वैसे मैं क्या करूँगा, एक ऐसा सेटअप बनाऊँगा कि आप भी सोचोगे कि हाँ टेक डी टू ने जो सेटअप बनाया गया कमाल का सेटअप बनाया। और बात ऐसा नहीं कि सेटअप बनने के बाद आपको ब्लॉग्स नहीं मिलेंगी, ये ब्लॉग्स चैनल है, इसमें ब्लॉग्स आती रहेगी, चाहे मेरा सेटअप कितना ही बढ़िया हो जाए, चाहे मेरा टेक चैनल कितना भी रन कर जाए, बट जो ब्लॉग है डेली ब्लॉग, वो डेली ब्लॉग आपको मिलती रहेगी। और तब अगर तब क्या हो सकती है, मान के चलिए मैं एक्चुअली अपग्रेड हो जाऊँगा, तब क्या हो सकती है आपको ब्लॉग भी देखने मिलेगी अलग अलग जगह पर, ऐसा ऐसा जगह विजिट करूँगा कि आप भी सोचोगे वाह काश हम जा पाते, जो चीज़ आप सपना में देखते होंगे उस जगह में विजिट करने का सोच रहा हूँ। तो फिलहाल देखा जाए कब तक ये सारी चीज़ें पूरी होती है नहीं होती है। तो फिलहाल अभी भी लाइट कटी हुई है, जो कि झारखंड गवर्नमेंट लाइट कटा है, थोड़ी सी पानी गिरती नहीं कि कट जाती है, और आज आई डोंट थिंक आज रात को लाइन वापस आएगी, और लाइन आएगी नहीं, और ये लाइन कट गई कट गई, अब रिटर्न लाइन आने वाली है नहीं। So forward when I miss you, act so foreign, yeah you're neck cute, yeah I thought I'm never gonna ever wreck you, and I promise never gonna ever test you, now you're gonna get my best. So, finally अभी तक मैं ऊपर में ही हूँ और अभी तक पानी स्टार्ट नहीं हुई है, बट बहुत जल्द पानी स्टार्ट होने वाली है। तो फाइनली इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, क्योंकि इसके बाद क्या होगी, जैसे कि मैंने बताया लाइट है नहीं, तो फिर अंधेरा हो जाएगी, तो रात में फिर अच्छी तरह से शूट नहीं हो पाएगी, जैसे कि आपने ज़्यादातर ब्लॉग में मेरे देखा होगा कि रात में आती है, तो जिस कारण क्या होती है फेस बहुत ज़्यादा अंधेरा दिखती है। तो फिलहाल मैं ब्लॉग को कहता हूँ यहीं पर एंड, आई होप आपको ब्लॉग अच्छी लगी होगी, तो ब्लॉग अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। क्या कैसे यार, तो कैसे यार।